गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू परमा कुर्मी व्लॉग। और ये जो व्लॉग है ना, ये कल वाली व्लॉग की कंटिन्यूटी है। और कल की व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में इसका लिंक है, पहला ही लिंक है इसका, तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले वाली दाल, जो कड़वी वाली दाल बोला जाता है, वो बना रही हूँ। यहाँ पे एक थाली बना रही हूँ, इसमें कड़वी दाल इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब मेन मेन्यू में है। बहुत ही अच्छी लगती है, नाम तो करेले वाली कड़वी दाल है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दाल बहुत टेस्टी लगती है। लौकी वगैरह पड़ता है तो दाल के ऊपर जो झाग आती है ना, उसको मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि ये झाग जितना फेंक सको उतना अच्छा है। तो कच्चे मूंग का बना रही हूँ ना, मूंग दाल को भूनी नहीं थी, पिछले वाले ब्लॉग में आपको पता चल ही जा गया होगा। और यहाँ पे ना बैंगन फ्राई की थी मैंने, वो बैंगन फ्राई हो गया है। किचन रूम में ना थोड़ी सी जगह कम होती है, तो बाहर में डाइनिंग टेबल में मैं ये सारा सामान शिफ्ट कर देती हूँ। फिलहाल दाल तो बॉयल हो रही है, साथ ही साथ मैं लौकी कट कर रही हूँ। तो लौकी कट कर लेने से क्या होगा ना, कि ये पूरा लौकी है ना, पूरा ही मैं डाल दूँगी दाल में, और दाल ना कम से कम एक दो दिन के लिए मेरा हो जाएगा। और ये वाली दाल जो होती है ना, घर में सबका फेवरेट है। मयंक तो आनातानी करता है, नहीं खाता है, उसको ज़बरदस्ती खिलाने पड़ता है, लेकिन बाकी सब खा लेते हैं, सबको बहुत पसंद है। और हस्बैंड को ये वाली दाल तो बहुत ही पसंद है। ये गर्मियों में ना ये वाली दाल ना बहुत फ़ायदा करता है अपना शरीर के लिए एक्चुअली। तो बस ये देखिए, दाल 80% तक कुक्ड हो चुका है, पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, तो 80% दाल। और ये दाल ना खुले में पकती है, मतलब इसमें नहीं पकती है कुकर वगैरह में, खुले में पकती है। तो बस दाल 70% तक, 70-80% तक कुक्ड हो चुका है। अब इसमें लौकी ऐड कर देंगे हम, बड़े बड़े पीसेस में लौकी कट करके डालिएगा, नहीं तो लौकी पूरा गल जाएगा। तो बस इसलिए लौकी ऐड करने के बाद थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। हल्दी आप देख लीजिएगा, आप कितना मतलब कलरफुल खाना चाहते हो, हल्दी थोड़ी सी ऐड करने से हो जाती है। अब इसको ना पूरी तरह से बॉइलिंग के लिए रखूंगी। जब तक दाल बॉयल हो रही है ना पूरी तरह से, तब तक मैं यहाँ पे ना करेले कट कर लूंगी। इसका अंदर का जितना सामान है करेले का, वो सारे निकाल के ऐसे गोल गोल टाइप्स का कट कर रही हूँ। आप चाहे आप अपना मर्जी का ऐड कर सकते हो, लेकिन करेले में गोल गोल अच्छा लगता है दाल में। तो बस करेले यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल में, प्लेन फ्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं, सिंपल सा थोड़ी सी हल्दी इसमें डालूंगी और जरा सी नमक, और कुछ नहीं। क्योंकि बिना हल्दी का खाना हम लोग नहीं बनाते हैं, उसको ना शगुन नहीं माना जाता है। तो इसीलिए कोई भी खाना हो, जरा सा भी हो, नाम के वास्ते हल्दी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आप अगर ना चाहो तो मत करिएगा, लेकिन शगुन के लिए हम लोग हल्दी डालते हैं हर खाना में। ये मतलब रूल्स है घर का, बचपन से मम्मी को भी मैं देखी थी, और ससुराल में आके सास को भी मैंने देखा, वैसे ही हल्दी थोड़ा सा डाल के बनाते हैं। तो बस यहाँ पे दाल देखिए मेरी बॉयल्ड हो चुकी है पूरी तरह से, लौकी भी गल गया है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी और कसर बाकी है तो मैं बॉइलिंग के लिए छोड़ी हूँ। और यहाँ पे ना अदरक ले लिया है मैंने, उसको कट करके पीसेस में डाली हूँ। और थोड़ी सी ना ये रांधुनी है, जो मतलब अजवाइन भी आप ले सकते हो, ये छोटे साइज के अजवाइन, और उसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने लिया, थोड़ी सी पानी ऐड कर दिया है। अब इसको ना पीस लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कढ़ाई में दाल मेरी बॉयल्ड हो चुकी है, यहाँ पे छौंक लगाने की तैयारी चल रही है। तेज पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी राई मैंने ऐड किया, थोड़ी सी जीरा ऐड किया, और जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी उसको ऐड करने के बाद थोड़ी सी पानी भी इसमें डायरेक्टली ऐड कर दीजिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बनता है। ऐसा नहीं है कि पेस्ट बना के उसको ऑयल निकालने की ज़रूरत है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, इसको डायरेक्टली पानी डाल दीजिएगा। पानी में उबाल आ जाए, देखिए थोड़ी सी ना मतलब रिंस करके भी मैंने पानी ऐड कर दिया, क्योंकि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए मसाले। अब बस चलिए दाल को छौंक लगा देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दाल को छौंका लगा दिया है मैंने, और बस इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, और उसके साथ कश्मीरी
रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो तीखी वाली रेड चिली डाल सकते हो, लेकिन कश्मीरी रेड चिली में ना कलर बहुत अच्छी आ जाती है। थोड़ी सी नमक कम लग रही थी तो नमक मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। इसको थोड़ी सी स्टर दे देंगे, मतलब मिक्स दे देंगे। आपको अगर ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हो इस स्टेज में, तो मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इतनी थिक कंसिस्टेंसी हम लोग घर में नहीं खाते हैं। इसमें भर भर के ना आप शुगर ऐड कर दीजिए या गुड़ ऐड कर दीजिए वाली दाल में। थोड़ी सी हरी मिर्च और चीनी ऐड किया मैंने बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद जो फ्राई किया हुआ करेला था ना उसको मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये जो करेले वाली दाल होती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है, नाम का तो करवा दाल होती है, लेकिन मीठा मीठा बहुत टेस्टी लगता है। सच बता रही हूँ, करेले में भी मिठास आ जाती है यार मतलब सच में ऐसा ही कुछ लगता है गाइस। तो आप लोग ना एक बार बना के देखिएगा। और लास्ट में एंड करने से पहले 1-2 चम्मच घी डाल दीजिएगा, गैस ऑफ कर दीजिएगा, दैट्स इट। इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी बनते हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये डन हो चुका है, चलिए फटाफट लंच सर्व करती हूँ। दिस इज़ आवर लंच। फिश करी मैं कल वाली ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, बैंगन का भाजी भी मैं कल वाली ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, सिर्फ दाल बाकी रह गई थी। तो दाल मैंने इस तरह से बनाया, एंड दिस इज़ आवर सिंपल गर्मियों का स्पेशल ये लंच है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये गर्मी स्पेशल लंच थाली आप लोगों को कैसा लगा। समर्स में ना ऐसे खाना खाने में ना बहुत मज़ा आता है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, अच्छा भी लगता है। everyone, मैं डायरेक्टली शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ, मेरा मुँह ऐसे फूला हुआ क्योंकि दोपहर को इतना अच्छा लंच करने के बाद में, और वेदर ना आज बहुत अच्छा हो गया, मतलब मैं दिखा रही हूँ बारिश हुई है और इतना मस्त वेदर था दोपहर को, तो मैंने नैप ले लिया सीधा, मतलब कोई बात का कोई मतलब ही नहीं, मैं सीधा किचन विचन क्लीन किया और चली गई नैप लेने, और इतनी अच्छी नींद आई। इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना इतना अच्छा नींद आता, दाल चावल इतना अच्छे बने थे कि मैं बोलूँगी ना आप लोग घर पे ट्राई करो, ऐसे दाल चावल बनाओ बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज चलो फिलहाल मैं चाय बनाऊँ, और ये जो इतनी अच्छी बारिश हुई ना, मैं दिखा रही हूँ मौसम, अब देखो बैक कैमरा से। इतनी अच्छी हो रही, इतनी अच्छी हो रही, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, इतनी ज्यादा गर्मी थी ना सुबह में, वो गर्मी से तो रहा ही मिली गई है, और बाप रे मेरी तो हालत खराब हो रही है। चलो मैं पहले ना चाय बनाऊँ सबके लिए। सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि हस्बैंड नहीं निकले आज, आज बारिश हो रही थी ना तो बोले कि चलो आज घर में ही रह जाता हूँ, तो बस आज पकौड़ी आवाज़ आ रही ना आपको, तो बस वही मेरा थोड़ा सा फायदा हो गया कि हस्बैंड आज घर पे है, और आज ना पकौड़िया खाने का बेहद मन हो रहा है। मतलब होता है ना कि बारिश में इतना अच्छा वेदर में अगर आपको चाट पकौड़ी मिल जाए तो क्या, सबसे बड़ी बात है चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हस्बैंड घर पे हैं तो देखते हैं, उनको बोलते हैं कि देखो हम बनाने वाले तो है नहीं अभी, कि सुबह इतना अच्छा खाना बनाई और उसके बाद हमसे नहीं होगा इतना गर्मी में फिर से पकोड़े बनाना, पकोड़े तल नहीं सकूंगी मैं। देखती हूँ आज भी पकोड़ा खाने का मन कर रहा है ना, देखती हूँ क्या जुगाड़ लगा सकती हूँ। फिलहाल तो मैं चाय बनाऊँ, यहाँ पे बन चुकी है हम लोगों की चाय, पहले हस्बैंड का चाय मैं निकाली हूँ यहाँ पे, और हम लोगों की चाय बन रही है यहाँ पे। चलो हस्बैंड को चाय दे के आती हूँ, थोड़ा सा दोनों बैठ के बातें शातें करेंगे। बिजी हो? पढ़ा रहे। बोल रहे हैं कि यूट्यूब में हम लोगों का रील, हम दोनों का रील बहुत पसंद किया जा रहा है। चलो मैं कभी अपना स्टडी कंप्लीट कर रहा है। से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एटलीस्ट गुड इवनिंग, बस उतना ही बोलो। इनका भी रील पसंद हो रहा है। हाँ
जी चलिए हम भी चाय पिए, थोड़ा सा चाय एंजॉय करें। सोचे थे हस्बैंड के साथ बैठेंगे, थोड़ा बातें शातें करेंगे। चाय दे दिए, उनके पास वक्त है नहीं क्योंकि मैं इनका कुछ हिंदी का कुछ है तो वो कंप्लीट करा रहे हैं। मतलब समर वेकेशन में जो स्कूल से देते हैं ना वो मैं नहीं देखती हूँ हिंदी वाली, मैं बाकी सब्जेक्ट हस्बैंड हिंदी का देख लेते हैं तो वही देख रहे हैं अभी। फिलहाल बिजी है, मैं अपना चाय वाय पीऊँ, अपना काम करूँ। तो चलो आज वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोग जो इतना अच्छा शॉर्ट्स सब पसंद कर रहे हो, इसलिए थैंक यू सो मच। वीडियो भी इस तरह से सपोर्ट करो, बहुत जल्दी 1K हो जाएगा तुम आप लोग सपोर्ट करोगे तो। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए मुझे 500 का परिवार मिला है, YouTube फैमिली। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू गाइस। चलो फिलहाल चाय वाय पीते हैं और अगर पकौड़े वगैरह कुछ होगा तो वो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं शेयर कर दूंगी, नहीं पता मुझे। फिलहाल तो आज वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज पॉर्माकुर्मी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।